द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑप्टेन द मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड इन रिलेशन टू एवरेज इज तो एवरेज डेली डिमांड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं वन पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इज़ जनरली असस्ड ऑन द बेसिस ऑफ तो ऑप्शन ए है मैक्सिमम अर्ली डिमांड और बी है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड इन दोनों में जो भी बड़ा होता है उसी को हम प्रीफर करते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा ग्रेटर ऑफ ए एंड बी एज कंपेयर टू द जियोमेट्रिकल इंक्रीज मैथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन द अर्थमेटिकल इंक्रीज मैथड गिवस जो जियोमेट्रिकल मेथड होता है वो अर्थमेटिकल से ज़्यादा वैल्यू देता है तो इसका मतलब है अर्थमेटिकल में हमें कम वैल्यू मिलेगी यानी कि आप सेम क्वेश्चन को करेंगे अगर दोनों मेथड से तो अर्थमेटिकल में कम वैल्यू मिलेगी और जियोमेट्रिकल में एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा मिलेगी द एवरेज डोमेस्टिक वाटर कंज्शन पर कैपिटा पर डे फॉर एन इंडियन सिटी मे बी टेकन एज तो इंडिया के लिए बोला है वन थर्टी फाइव लीटर होता है यहाँ पे और अगर डिटेल देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कुकिंग ड्रिंकिंग बाथिंग वगैरह के लिए अलग अलग है फाइव फाइव फिफ्टी ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन टेन ट्वेंटी फाइव ये वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं लेकिन जो टोटल है वो वन थर्टी फाइव ही मिलेगा आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है वन थर्टी फाइव ध्यान रखना है ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा द टोटल वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर एन एवरेज इंडियन सिटी मे बी टेकन एज अब टोटल बोल दिया यहाँ पर टोटल में सब आ जाता है जैसे अभी जो बात करी थी वो डोमेस्टिक की करी थी तो उसके लिए 135 था अब टोटल में और भी चीज़ें आती हैं जैसे इंडस्ट्रियल पब्लिक फायर लॉसेस वेस्टेज थे इन सब को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 270 तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा 270 लीटर पर कैपिटा पर डे डिज़ाइन पीरियड फॉर वाटर सप्लाई इज़ वाटर सप्लाई के लिए ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स होता है यहाँ पर डिज़ाइन पीरियड विच ऑफ़ द फॉइइंग इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मैथड जियोमेट्रिकल इंक्रीज मैथड को हम यूनिफॉर्म इंक्रीज मैथड भी बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन बर्थ डेथ माइग्रेशन ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल uh, होते हैं पॉपुलेशन को बदलने के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा ऑल ऑफ दिज द पर कैपिटा वाटर डिमांड इंक्लूड तो पर कैपिटा वाटर डिमांड इसमें सब कुछ आ जाता है डोमेस्टिक हो गया कमर्शियल हो गया पब्लिक फायर इंडस्ट्रियल डिमांड जैसा कि अभी एक टेबल दिखाई थी मैंने ऑप्शन डी सही हो जाएगा द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर अमाउंट्स टू डेस परसेंट ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे देखिए टोटल के रेस्पेक्ट में डोमेस्टिक जो होता है ऑलमोस्ट आधा होता है अभी डोमेस्टिक का जो था वो 135 था और जो टोटल था वो 270 था तो ये रेशियो आप देखेंगे ये बैठेगा 50% परसेंट का इसको सॉल्व करके वन बाई टू आ रहा है तो जो रेशियो है वो है फिफ्टी परसेंट का इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा एयर एसन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव एयर एसन क्यों करते हैं जो ऑडोर है उसमें पानी में जो गंद है उसको रिमूव करने के लिए ऑप्शन ए सही होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इस कोटेड एट विथ टेम्परेचर बी ओ डी जो होता है उसके लिए टेम्परेचर रखा जाता है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस द एवरेज एज ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज कास्ट आयरन पाइप की एवरेज एज होती है वन हंड्रेड ईयर्स ठीक है और बाकियों की बात करें तो आर सी सी पाइप की होती है सेवेंटी फाइव ईयर्स और स्टील की होती है फोर्टी ईयर्स तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं कास्ट आयरन पाइप कास्ट आयरन पाइप हैविंग प्लेन एंड्स आर ज्वाइंट बाई अ जॉइंट कॉल्ड जिस जॉइंट जिस ज्वाइंट से उसको हम ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं ड्रेसर कपलिंग ड्रेसर कपलिंग के द्वारा हम कास्ट आयरन पाइप्स को जोड़ते हैं एक को दूसरे से हाई पी वैल्यू ऑफ वाटर इन इन द पाइप डज नॉट प्रोड्यूस क्या नहीं प्रोड्यूस करता है हाई डिस्चार्ज जब पी वैल्यू ज़्यादा हो विच इज़ द बेस्ट सीवर मटीरियल टू रजिस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन ग्लेस्ड स्टोनवेयर यहाँ पर सही आंसर होगा ये वो मटीरियल है जो रजिस्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन को अ यूज्ड यूज हैंडपम्प इज़ द जो जनरल हैंडपम्प देखे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप के होते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर आर तो कौन से हैं रिवर एंड स्ट्रीम लेक एंड नेचुरल पाउंड्स इम्पाउंडेड रिजर्वायर्स तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस अ पाइप संग इन टू द ग्राउंड फॉर टैपिंग द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड तो क्या बोलते हैं ट्यूब वेल बोलते हैं उसको अलग अलग वेल अलग अलग डिफाइन की जा सकती है यहाँ पे ट्यूब वेल की डेफिनेशन पूछ रखिए आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन तो यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम इसकी वजह से हम जो पर कैपिटा कंजम्पन है उसको कम कर सकते हैं द आर्ली वेरिएशन फैक्टर इज़ यूजली टेकन एज आर्ली वेरिएशन फैक्टर लेते हैं हम वन पॉइंट फाइव ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयरस आर फाइव थाउजेंड सेवन थाउजेंड एंड एट थाउजेंड फोर हंड्रेड रेस्पेक्टिवली तो पॉपुलेशन बतानी है फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर की जियो इंक्रीज मैथड से देखिए जियो इंक्रीज मैथड में हमें परसेंटेज देखना होता है जो इंक्रीमेंट परसेंटेज होता है तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले साल में जो पॉपुलेशन थी वो थी फाइव थाउजेंड उसके बाद सेकंड में सेवन थाउजेंड हो गई तो जो इंक्रीमेंट आया वो आया टू थाउजेंड का और अगर परसेंटेज में देखें तो टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड का फोर्टी परसेंट होता है इसका मतलब सेकंड ईयर में फोर्टी परसेंट का इंक्रीमेंट आया इसी तरह से थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन हुई वो हो गई एट और सेवन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो फोर्टीन हंड्रेड या वन थाउजेंड फोर हंड्रेड का इंक्रीमेंट आया जो कि होता है सेवन थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब है थर्ड ईयर में ट्वेंटी परसेंट का इंक्रीमेंट आया अब ये जो इंक्रीमेंट आ रहा है इसका आपको एवरेज लेना है फोर्टी प्लस ट्वेंटी करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको थर्टी यानी कि थर्टी परसेंट का एवरेज इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ पर आप जो फर्दर ईयर्स हैं जैसे फोर्थ ईयर है फोर्थ ईयर का जब आपको निकालना होगा यहाँ पे, तो फोर्थ ईयर के लिए आप थर्टी परसेंट ऐड कर देंगे यानी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड में एट थाउजेंड फोर हंड्रेड का थर्टी परसेंट ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी आई होप समझ आ गया होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा द सुटेबल मैथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रेपिडली रेपिडली इंक्रीजिंग सिटी इज़ तो जो सिटीज़ तेजी से बढ़ रही होती हैं उनके लिए हम जियोमेट्रिकल मैथड यूज़ करते हैं द डिवाइज विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राॅइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड तो इंटेक्स बोलते हैं उनको जिनके जिनको हम यूज़ करते हैं वाटर को कलेक्ट करने के लिए डेफिनेशन देख सकते हैं इंटेक स्ट्रक्चर्स कहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे वाटर uh, को कलेक्ट करना हो किसी सरफेस सोर्स से जैसे कि रिवर लेक रिजर्वायर ठीक है और कंक्रीट स्ट्रक्चर हो सकता है या मेजनरी हो सकता है ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ अ ट्यूबवेल इज अबाउट कितना होता है 50 लीटर पर सेकेंड ग्राउंड वाटर इज यूजअली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होता है ग्राउंड वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉन्ड डिजीज़ मलेरिया वाटर बाउंड डिजीज़ नहीं है ऑप्शन डी सही होगा स्टैंडर्ड ई ई डी टी ए सोल्यूशन इज यूज टू डिटरमिन द ई डी टी ए सोल्यूशन जो होता है इथाइलिन डायामिन टेट्रा एसिटिक एसिड इसको हम यूज़ करते हैं हार्डनेस पता करने के लिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा द प्रोडक्ट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस एंड ओ एच नेगेटिव आयंस इन अस्ट्रॉगर एलिकली इज देखिए एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हर बार हमें टेन रेज टू द पावर माइनस फोर्टीन मिलता है बात करें प्योर वा प्योर वाटर की प्योर तो वाटर में एच पॉजिटिव आयन होता है टेन रेज टू पावर माइनस सेवन और ओ OH एच होता है टेन रेज टू द पावर माइनस सेवन सेम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको टेन रेज टू द पावर माइनस फोर्टीन कोई और भी आप एग्जांपल लेंगे ये वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं लेकिन ओवरऑल आंसर आपको यही मिलेगा यानी कि हर केस में ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा विच ऑफ द फॉलोइंग पी एच विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पी एच रिप्रजेंट्स अ स्ट्रोंगर एसिड तो पी एच स्केल जो होता है वो जाता है जीरो से 14 तक और कुछ इस तरह से बीच में सेवन ले लीजिए इधर जीरो इधर फोर्टीन तो सेवन पे न्यूट्रल होता है जिसको उदासीन बोलते हैं सेवन से कम एसिडिक सेवन से बड़ा बेसिक हो जाता है तो सेवन से कम जैसे मान लीजिए फाइव और टू फाइव भी एसिडिक में आएगा टू भी एसिडिक में आएगा लेकिन टू ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा क्योंकि टू न्यूट्रल से ज़्यादा दूर है तो इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे जब तो टू यहाँ पे सबसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर मिलेगा जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड का काम करेगा टर्बिलिटी इज मेजर्ड ऑन टर्बिलिटी कहाँ मेज़र करते हैं स्टैंडर्ड सिलिका इस्केल पर वो जो मीटर होता है उसमें सिलिका स्केल लगा होता है हायर क्वान्टिटी ऑफ कॉपर मोर देन टू पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर लीटर और सो मे कॉज डिजीज़ पर टेनिंग टू तो लंग्स के लिए ये बुरा होता है अगर इसकी क्वान्टिटी बढ़ जाए कॉपर की द डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज़ कितनी होती है वन हंड्रेड टू टू हंड्रेड लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन सी सही होगा क्लीनिंग ऑफ फिल्टर बिकम्स नेसेसरी व्हेन द लॉस ऑफ हेड इन स्लोस एंड फिल्टर एक्सीड। कितने से 1.25 मीटर से अगर ज़्यादा चला जाए तो उसको क्लीन करना जरूरी हो जाता है द टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाई वन मिलीग्राम ऑफ सिलीकन डाइऑक्साइड इन वन लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज कॉल्ड वन जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट बोलते हैं इसको ऑप्शन ए सही होगा ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल द टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड टू टर्बिडिटी जो है 10 पी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए बाकी जो फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ हैं उनकी बात करें अगर तो टेम्परेचर टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कलर टेन टू ट्वेंटी पी पी एम और टर्बिडिटी तो अभी बताया था फाइव टू टेन और ओडोर वैल्यू जीरो से लेके फोर तक वाटर इज़ कंसिडर्ड हार्ड इफ़ इट्स हार्डनेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस होती है 200 हंड्रेड पी पी एम ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा द मैगजिम अलाउेबल कॉन्सनट्रेशन ऑफ आयरन इन वाटर इज़ तो कितना होता है आयरन होता है पॉइंट थ्री पी पी एम ठीक है डेटा है याद रखना है मैगजिम सेफ परमिजल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज़ क्लोराइड जो होते हैं वो होते हैं टू हंड्रेड फिफ्टी एम जी पर लीटर या पी तो इस तरह से बाकी की भी जो चीज़ें हैं वो आप इस टेबल में देख सकते हैं जैसे टोटल सॉलिड के लिए यहाँ पर हो जाएगा अप टू 500 हंड्रेड अभी हमने जिनकी बात करी वो करी हार्डनेस की क्लोराइड की और एक और करी थी अभी ठीक है तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनमें से क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है पीएच वैल्यू देख सकते हैं 6.5 से 8.5 तो इस तरह से अलग अलग केमिकल टेस्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी गिव टेस्ट ऑर्डोर कलर एंड टर्बिडिटी टू वाटर तो ये सारी फ़िजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिक फीवर तो एंटरिक फीवर जो होता है टाइफाइड फ़ीवर को ही बोलते हैं तो सेल सेलमोनेला टाइपी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा ये वो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से फीवर होता है प्रजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर सैंपल इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ तो किसका डिकम्पोजिशन होता है प्रोटीन्स का विच ऑफ़ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज टू डिटर्मिंग द कलर ऑफ वाटर तिंटो मीटर यूज़ करते हैं हम कलर के लिए बाकी देख सकते हैं टर्बिडिटी के लिए नेफिलो मीटर और इम्हापकोन यूज़ करते हैं सेटेलेबल सॉलिड के लिए और माफी फरनेस यूज़ करते हैं वोलेटाइल सॉलिड के लिए वट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर तो कार्बन डाइऑक्साइड या सी ओ टू सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर एम्प्लॉयज़ एरिक्रोम ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर हार्डनेस जो टेस्ट होता है उसमें एरिक्रोम ब्लैक टी एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है तो ऑप्शन ए सही होगा द मैक्सिमम परिजल लिमिट ऑफ फ्लोरिन इन ड्रिंकिंग वाटर इज़ फ्लोरिन का भी है यहाँ पे क्वेश्चन तो ये वन मिलीग्राम पर लीटर होगा ऑप्शन बी और रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज तो क्या होता है टोटल डिसोल्व सॉलिड टेस्ट किया जाता है पॉल्यूशन की इंटेंसिटी के लिए ब्लू बेबी डिजीज इज़ कॉज ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हैविंग एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स यहाँ पे सही आंसर होगा नाइट्रेट्स अगर ज़्यादा हो पानी में तो ब्ल्यू बेबी डिजीज का खतरा होता है लास्ट क्वेश्चन है एमपीएन इंडेक्स इज मेजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो एमपियन इंडेक्स किसके लिए होता है कोलिफॉम बैक्टीरिया के लिए इफ द पी एच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ए इज़ फोर एंड दैट ऑफ सोल्यूशन बी इज़ फाइव दैन द एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखिए पी एच वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग टेन बेस एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्यूशन ए के लिए जो एच आई एन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी टेन रेज टू द पावर फोर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आप टेन रेज टू द पावर फोर रखेंगे और इस माइनस की वजह से जो अंदर माइनस फोर आएगा वो टोटल यहाँ पे मिल जाएगा प्लस का फोर ये मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन ए के लिए ठीक है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सॉल्यूशन ए के लिए फोर और बी के लिए फाइव तो सॉल्यूशन ए के लिए एच आयन की वैल्यू होगी टेन रेज टू द पावर फोर और इसी तरह से बी के लिए हो जाएगी टेन रेज टू द पावर फाइव इनका रेशियो देखेंगे तो डेफ़िनेटली जो ए है वो उसके टेन टाइम्स ग्रेटर है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा ए इज़ टेन टाइम्स हायर देन दैट ऑफ बी द जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेजर टर्बिडिटी अवर किससे ऊपर ट्वेंटी फाइव पी से ऊपर मेज़र करता है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेस्टिंग द आउटडोर इज़ आउटडोर के लिए हम ओस उस, ओसमोस्कोप यूज़ करते हैं और टिंटोमीटर आपको मैंने बताया था कलर के लिए होता है और नेफेलोमीटर होता है टर्बिडिटी के लिए इफ़ द हार्डनेस ऑफ अ सैम्पल ऑफ वाटर एक्सप्रेस इन पी पी एम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर देन थ्री हंड्रेड द सैम्पल विल एज देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में बोला है तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है तो इसके लिए एक टेबल होती है यहाँ पर देख सकते हैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू 50 मिलीग्राम पर लीटर से कम है या पीपीएम भी कह सकते हैं तो हार्डनेस होगी वहाँ पे सॉफ्ट टाइप की और 50 टू 150 होगी तो फिर मॉडरेट होगा 150 टू 300 होगा तो हार्ड होगा और 300 हंड्रेड अबव होगा तो वेरी हार्ड होगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है मोर देन 300 तो यहाँ पे वेरी हार्ड वाला केस है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा द मोस्ट कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट फॉर वाटर प्योरिफिकेशन इज तो एक्टिवेटेड कार्बन यहाँ पे सही आंसर होगा द मेजरमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कॉन्टेंट इज़ यूजली कैरीड आउट इन द टर्म्स ऑफ तो सी ओ डी की टर्म्स में ये लिया जाता है कैरी किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ रिलेटेड टू बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया की वजह से जो है कोलेरा होता है और ब्लू बेबी डिजीज होती है नाइट्रेट्स की वजह से यह पहले भी डिस्कस किया था एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बोन्स होता है फ्लोराइड की वजह से और इन्फेक्सियस हेपेटाइटिस होता है वायरस की वजह से ठीक है आंतों में आती है यह वाली प्रॉब्लम द टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ कॉज बाय टेम्प्रेरी हार्डनेस कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट्स की वजह से होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्प्रेरी हार्डनेस जो होती है कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के उनके कारण होती है और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के उनके कारण होती है तो यहाँ पे टैम्प्ररी की बात कर रखी है तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा बाई कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ कॉज ड्यू टू तो अभी मैंने बताया हार्डनेस को हम दो पार्ट पर रख सकते हैं टेम्प्ररी और परमानेंट तो so, यहाँ पे जो भी हैं सल्फेट है नाइट्रेट है बाई कार्बोनेट है, है ये यह सब यहाँ पे सही हो जाएंगे ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कोग्युलेशन कोग्युलेशन फ्लोकुलेशन विद एलम इज़ परफॉर्म्ड कब होता है ये बिफोर रेपिड सेंड फिल्ट्रेशन उससे पहले होता है द ट्रीटमेंट्स विच आर जनरली गिवन टू ट्रीट रॉ वाटर सप्लाईज फॉलो द सिक्वेंस देखिए यहाँ पे जो जर्नल सिक्वेंस होता है वाटर ट्रीटमेंट का वो आपके सामने है कलेक्शन या इसको इनटेक भी बोलते हैं उसके बाद स्क्रीनिंग एंड स्ट्रेनिंग फिर कोएगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन फिर सेडिमेंटेशन एंड क्लेरिफिकेशन दैन फिल्ट्रेशन दैन डिस इनफेक्शन देन स्टोरेज एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन जिन चार पॉइंट की यहाँ पर बात कर रखी है वह है रेड कलर में दिख रहे होंगे आपको स्क्रीनिंग सेगिमेंटेशन फिल्ट्रेशन एंड डिसनफेक्शन तो सही सिक्वेंस हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है तो आपको सारे याद होने चाहिए क्योंकि ये वेरी कर सकते हैं ये चेंज होकर आ सकता है क्वेश्चन सेडिमेंटेशन कैन रिमूव इन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन किससे ज़्यादा होनी चाहिए तो देखिए जिन पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से ज़्यादा होती है तो वो ईज़िली सेटल कर जाते हैं जबकि जिनकी कम होती है वो ईज़िली सेटल नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो वन पॉइंट यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी पार्टिकल्स इंटेंडेंड टू बी रिमूवड इन अ कंटिन्यूस फ्लो वाटर सेडिमेंटेशन टैंक सुड हैिटी कितनी होनी चाहिए मोर देन द सर्फेस लोडिंग ऑफ द टैंक उस सरफेस लोडिंग से ज़्यादा डिटेंशन टाइम फॉर अ सेडिमेंटेशन टैंक इज गिवन एज कितना होना चाहिए डिटेंसन टाइम होता है वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय रेट ऑफ़ फ्लो तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया बी इंटू एल इंटू एच ठीक है कुछ केसेस में जो एच है उसकी जगह डी यूज़ किया रहता है तो उस केस में हो जाएगा बी इंटू डी इंटू सॉरी बी इंटू एल इंटू डी यानी एच की जगह डेफ्थ भी यूज़ कर लेते हैं और जो क्यू है उसकी जगह कई जगहों पर एफ़ भी यूज़ कर लिए कर लिया जाता है फ्लो के तौर पर ठीक है तो दोनों ध्यान रखने यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा बी एल एच अपॉन क्यू फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द एफिसंसी ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज बाई किससे इंक्रीज़ कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ टैंक ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रफोशनल होता है तो कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज पर यानी डिस्चार्ज अगर हम चेंज ना करें और एरिया बढ़ा दें तो वहाँ पर डिटेंसन टाइम क्या होता है बढ़ जाता है एफिशिएंसी बढ़ जाती है द अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट नीडेड इन वाटर ट्रीटमेंट इनक्रीजेज विद द किसके साथ इंक्रीज़ करता है कोएगुलेंट टर्बिडिटी इंक्रीज़ करने से क्योंकि टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए हम कोएगुलेंट यूज़ करते हैं और अगर टर्बिडिटी बढ़ेगी तो वहाँ पर कोएगुलेंट की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी क्लीनिंग ऑफ स्लोस एंड फिल्टर इज डन बाय क्लीनिंग हम इनकी कैसे करते हैं स्क्रैपिंग द टॉप लेयर एंड रिमूवल ऑफ सैंड तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए यहाँ पे स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग और जो टॉप सैंड लेयर है वो कितनी 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक जो टॉप लेयर होती है उसको रिमूव करते हैं वहाँ पे तो इस तरह से स्लो सैंड फिल्टर को क्लीन किया जाता है डबल फिल्ट्रेशन इज़ यूज डबल फिल्ट्रेशन क्यों यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स क्लोरीनेशन बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इज नोन एज सुपर क्लोरिनेशन इसका सही आंसर होगा उसमें जो होता है बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं द ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लोरिन विच इज एडेड इन सुपर क्लोरिनेशन इज सच एज टू गिव अबाउट वन टू टू मिलीग्राम पर लीटर ऑफ रेजिड्यू बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इन द ट्रीटेड वाटर तो सुपर क्लोरीनेशन में यह होता है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद विच ऑफ़ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंडस कैन बी यूज फॉर डी क्लोरिनेशन ऑफ वाटर तो यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर होगा और अगर और चीज़ों की बात करें तो बाकी भी एजेंट होते हैं डीक्लोरिनेटिंग uh, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड तो यहाँ पे है बाकियों की बात करें तो एक्टिवेटेड कार्बन है सोडियम सल्फेट है सोडियम थायोसल्फ़ेट है सोडियम मेटाबाइसल्फेट है और अमोनिया एज एन एच फोर ओ एच विच ऑफ़ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कैन भी यूज फॉर डी क्लोनेशन सॉरी ये हो गया था इन लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टेनिंग तो देखिए लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है ये हम यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए और लाइम प्रोसेस यूज़ करते हैं टेम्प्रेरी हार्डनेस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइम प्रोसेस यूज़ करते हैं टेम्प्ररी के लिए लाइम सोडा यूज़ करते हैं परमानेंट के लिए तो लाइम का जो मेन रोल होता है वो कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स को रिमूव करने का होता है और इसी तरह से जो सोडा का मेन रोल होता है वो सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट्स को रिमूव करने का होता है इन तीनों को ही हम नॉन कार्बोनेट भी बोलते हैं तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लाइम रिड्यूज कार्बोनेट्स एंड सोडा रिमूव्स नॉन कार्बोनेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ डिटर्मिनेशन इज यूज फॉर क्लोराइड क्लोराइड के लिए हम और मैथड करते हैं यूज डिसोल्व्ड ऑक्सीजन के लिए विंकलर एंड हार्डनेस के लिए तो बताया था ए डी टी ए मैथड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिमूव बाई रेपिड सैंड फिल्टर फ्रॉम वाटर तो सस्पेंडेड सॉलिड बैक्टीरिया हेलमेंट्स ठीक है ये सब हम रिमूव कर सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज अबाउट तो एक से तीन महीने माना जाता है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम वाटर मे बी डन तो आयरन को वाटर से रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखिए आयरन और मैग्नीज दोनों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं तीन चीज़ें हम कर सकते हैं एक तो लाइम को ऐड कर सकते हैं दूसरा पीएच वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं वाटर की 8.5 से लेके 9 तक और तीसरा पॉइंट बाई एडिंग क्लोरिन और पोटेशियम पर मैगनेट ये तीसरा पॉइंट है रेड कलर में जो यही आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए बाई ऑक्सीडेशन विथ सी एल टू ऑप्शन सी बाई ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम पर मैगनेट तो दोनों ऑप्शन सही हैं इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस द केमिकल यूज फॉर डी फ्लोरिडेशन इज तो एलम को यूज़ करते हैं हम फॉर अ grid चैनल इफ़ द रिकमेंडेशन फ्लो velocity इज़ 0.25 meter per मीटर पर सेकेंड एंड द is पीरियड इज़ वन मिनट of लेंथ ऑफ द टैंक इज़ देखिए फ्लो वेलोसिटी दे रखी है और डिटेंशन पीरियड दे रखा है तो लेंथ ऑफ टैंक जो होता है वो होता है फ्लो वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम फ्लो वेलोसिटी दे रखी पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड और जो टाइम था वो वन मिनट था सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो सिक्सटी हो जाएगा इंटू करके आपको मिल जाएगा फिफ्टीन मीटर ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा एरेशन ऑफ़ वाटर इज डन टू रिमूव एरेशन हम क्यों करते हैं डिसोल्व गैसेज जो होती हैं उनको रिमूव करने के लिए द इफेक्टिव साइज़ ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज इन स्लो सैंड फिल्टर इज़ स्लो सैंड के लिए होता है पॉइंट टू फाइव से लेके पॉइंट थ्री फाइव एम एम और रेपिड सैंड के लिए होता है पॉइंट थ्री फाइव से लेके पॉइंट फाइव जीरो एम एम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फोर बी से और बी वहाँ पर उसकी विर्थ होती है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा द एलम वैन एडिड एज कोगुलेंट इन वाटर तो क्या होता है इससे इससे यहाँ पर पी एच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है वाटर की द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सीडिमेंटेशन ऑफ सीवे इज़ तो कौन सा केमिकल है लाइम जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं इन वाटर ट्रीटमेंट रेपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर एडोप्टेड टू रिमूव क्या रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सोलिड्स डिसइनफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट इन तो डिसइनफेक्शन से क्या होता है किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया डिजीज़ बैक्टीरिया द परसेंटेज ऑफ क्लोरिन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज़ क्लोरिन होता है थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट एक फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज़ नोन एज क्या होता है हाइपो क्लोरिनेशन बोलते हैं इसको एज कम्पेयर टू कास्ट आयरिन पाइप स्टील पाइप्स आर तो स्टील पाइप क्या होते हैं उनके कंपेयर में स्ट्रांग होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेर रेनफॉल इज़ मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन द सुटेबल सीवरेज सिस्टम विल बी तो इंडिया के लिए सेपरेट सिस्टम सही माना जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर इज़ प्रीफर्ड फॉर कम्बाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज तो कम्बाइंड के लिए एग सेप्ड यहाँ पर सही माना जाता है बी सही हो जाएगा इफ द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज़ नाइन मिनट दैन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फार्मूला विल बी तो इसके लिए फार्मूला होता है अगर यहाँ पर ये यह जो टाइम दे रखा है कॉन्सनट्रेशन टाइम ये फाइव टू ट्वेंटी मिनट्स है अगर तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं सेवन सिक्सटी बाई टी प्लस टेन जहाँ पर टी टाइम होता है तो वहाँ पर आप नाइन रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा फोटी एम एम पर आर तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा इफ़ सॉरी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज़ देखिए सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वन से थोड़ा सा ज़्यादा होती है रीज़न क्योंकि सीवेज जो है वो कंसिस्ट करता है 99.9 परसेंट वाटर और ओनली पॉइंट वन परसेंट उसमें सॉलिड मैटर होता है तो इसलिए जो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है जो कि हो जाती है वन वन तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा द स्पेसिफ़िक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज स्ल मोर देन वन द मिनिम एंड मैक्मम डाया मीटर ऑफ सीवर सेल्फ प्रिफरेबली क्या होना चाहिए फिफ्टीन सेंटीमीटर और थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर होता है मिनिमम एंड मैक्म दॉरी द मेन डिसएडवानटेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट सीवर सॉरी द मेन डिसएडवाटेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट सीवर इज़ क्या होता है डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो हैवी वेट होते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है उनको ट्रांसपोर्ट करने में मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सीवर इज सेपरेट सीवेज सिस्टम इज़ तो क्या होता है इसमें सर्कुलर सेक्शन माना जाता है द मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर कलवर्ट्स इज़ तो कलवर्ट के नीचे सर्कुलर ब्रिक सीवर हम यूज़ करते हैं द दैसोजन कैन बी किल्ड बाई किससे से क्लोरिनेशन से हम इनको ख़त्म कर सकते हैं द टाइप्स ऑफ सीवर विच इज़ सुटेबल फॉर बोथ कम्बाइंड एंड सेपरेट सिस्टम इज़ तो दोनों के लिए जो सही माना जाता है वो होता है एक्सेप्ट सीवर ठीक है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइंड फॉर तो ये होते हैं जनरली थ्री सॉरी फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स के लिए ठीक है द सुटेबल लेआउट फॉर अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली ग्राउंड टाउन इज़ तो जो टाउन इरेगुलर तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पे हम डेड एंड सिस्टम यूज़ करते हैं द सुटेबल लेआउट फॉर अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अ सिटी ऑफ रोड्स ऑफ़ रैक्टेंगुलर पैटर्न इज़ रैक्टेंगुलर पैटर्न की बात हो रही है जब किसी भी सिटी में या किसी भी टाउन में तो ग्रिड आयरन सिस्टम यूज़ होता है इसको आप देख सकते हैं इन दिस सिस्टम द मेन्स सब मेन्स एंड ब्रांचेज आर ऑल इनर कनेक्टेड विद ईच अदर इन वेल प्लान सिटी और अ टाउन तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा द पाइप विच इज़ यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्राम सैनिटरी फिटिंग्स इज़ कॉल्ड सैनिटरी फिटिंग्स का मतलब यहाँ पे है जो हमारे किचन्स और बाथरूम के पाइप होते हैं तो उनको हम वेस्ट पाइप बोलते हैं बेसिकली ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा द ड्रेन कैरिंग सीवेज ऑफ बी ओ डी इज़ टू हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर एंड फ्लो रेट ऑफ फिफ्टी मीटर क्यूब पर सेकेंड ज्वाइंस रिवर हुट्रीम बी ओ डी इज़ एट मिलीग्राम पर लीटर एंड फ्लो रेट इज़ फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब पर सेकेंड वाट इज़ द एस्टिमेटेड डाउन स्ट्रीम बी ओ डी ऑफ़ द रिवर फ्लो देखिए मिक्स बी ओ पूछ रखा है यहाँ पर जिसका फॉर्मूला होता है क्यू एस बी ओ डी एस प्लस क्यू आर बी ओ डी आर डिवाइडेड बाई क्यू एस प्लस क्यू आर क्यू एस का मतलब यहाँ पर फ्लो से है जो कि सीवेज का फ्लो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ये क्यू की जगह पे यूज़ होगा क्यू का मतलब यहाँ पे रिवर के फ्लो से है जो कि 500 है इसी तरह से बी ओ डी सीवेज का बी ओ डी और रिवर का बी ओ डी इन वैल्यूज़ की मदद से हम यहाँ पे मिक्स बी निकालेंगे तो आप देख सकते हैं क्यू की जगह पर फाइव फिफ्टी रखा बी ओ डी एस की जगह पे टू हंड्रेड इसी तरह से क्यू आर फाइव हंड्रेड एंड बी ओ डी आर एट वैल्यूज पुट करिए उसके बाद सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 25.45 मिलीग्राम पर लीटर तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा द लिक्विड वेस्ट ऑर्गेनेटिंग ऑरिजिनेटिंग फ्राम रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेजिडेंशियल का मतलब यहाँ पर डोमेस्टिक से है तो सैनिट्री सीवेज बोलते हैं उसको या सिंपली सीवेज भी बोलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक सीवेज प्लस इंडस्ट्रियल सीवेज इन दोनों के सम से मिलता है ये तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा अ कम्बाइंड सीवेज सिस्टम कलेक्टिवली कैरीज कम्बाइंड में सैनिट्री तो आता ही है एज वेल एज स्ट्रॉम भी आ जाएगा तो इसके साथ ये ऐड हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा अ सीवर पाइप कैरिंग सीवेज फ्रॉम अ बिल्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इट्स इमीडिएट डिस्पोजल इज कॉल्ड तो बिल्डिंग से आ रहा है अगर कोई पाइप तो यहाँ पे हाउस सीवर होगा इसको बिल्डिंग सीवर भी बोलते हैं द सीवर पाइप हैव टू बी डिज़ाइन एंड चेकड फोर सीवर पाइप हम मैगजिमम फ्लो के लिए तो चेक और डिज़ाइन करते ही हैं एज वेल एज मिनिमम के लिए भी करते हैं मैगजिम का तो ईजिली समझ आता है मिनिमम के लिए क्यों करते हैं ताकि सीवेज का जो अपना एक मिनिमम फ्लो है वो बना रहे है. उसके अंदर जो सोलिड पार्टिकल्स हैं वो उसमें अटके ना रहें उसी फ्लो के साथ बह जाएँ यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ क्लीनिजिंग वेलोसिटी टू अवॉइड सिल्टेसन प्रॉब्लम इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो टू द एवरेज डेली सीवेज फ्लो फॉर सीवर मीन पॉइंट फाइव टू वन मीटर डायमीटर इज जनरली टेकन एज देखिए मैक्सिमम डेली सीवेज जो होता है या मैक्सिमम डेली फ्लो वो एवरेज का टू टाइम्स होता है यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाली रो में इसी तरह से जो मैक्सिमम अर्ली फ्लो है वो मैक्सिमम डेली के रेस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स होता है और जब हम मैक्सिमम आवर्ली फ़्लो को एवरेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का इसलिए हमें यहाँ पे मिलेगा 3 ठीक है खैर यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है बात हो रही है जो आपको रेड कलर में लाइन दिख रही होगी तो मैक्सिमम हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एवरेज डेली फ़्लो द रेशियो ऑफ मिनिमम आवर्ली फ्लो टू द एवरेज फ़्लो ऑफ सीवेज़ इज मिनिमम के लिए जो डेटा होता है वो ये है मिनिमम एवरेज के रेस्पेक्ट में टू बाई थर्ड होता है पहली लाइन देख सकते हैं आप यहाँ पे मिनिमम आर्ली फ्लो मिनिमम डेली के लिए के रेस्पेक्ट में वन बाई टू होता है यानी आधा होता है और जैसे अभी मैंने बताया अगर मिनिमम आर्ली फ्लो को एवरेज के रेस्पेक्ट में देखना है तो डेफिनेटली इसकी इंटू होगी टू बाई थर्ड की इंटू वन बाई टू से इसको सॉल्व करके आ जाएगा वन बाई थ्री ठीक है जैसे जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा फॉर नॉर्मल स्लज द वैल्यू ऑफ स्लज़ इंडेक्स फॉर इंडियन कंडीशन इज कितनी होती है वन फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी टेस्टिंग ऑफ सीवर पाइप्स में इन्वॉल्व क्या क्या टेस्ट होते हैं वाटर टेस्ट मिरर टेस्ट बॉल टेस्ट ये सारे टेस्ट होते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा मैन होल्स आर जनरली लोकेटेड एट ऑल चेंजेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सीवर बिल्कुल सीवर जहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा वहाँ पे भी होगा ऐट ऑल चेंजेज़ ऑफ ग्रेडियंट ऑफ़ सीवर तो ग्रेडियंट यानी कि उतार चढ़ाव जहाँ पर आएगा वहाँ पर भी हम प्रोवाइड करते हैं ऐट ऑल जंक्सन ऑफ़ डिफरेंट सीवर तो डिफरेंट जंक्सन यानी कि जहाँ पर सीवर पाइप ज्वाइंट हो रहे होते हैं वहाँ पर भी प्रोवाइड करते हैं इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा इन द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रोम सीवर टाइम ऑफ कॉन्सनट्रेशन इज़ रेलिवेंट टू डिटर्मिंग द तो स्ट्रोम सीवर के डिज़ाइन में रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर लिए जाते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज़ दैट सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन यानी कि बड़ा एरिया चाहिए होता है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए द पर्पज़ ऑफ लिपिंग वेयर इज़ लीप वेयर भी बोलते हैं इसको इसका पर्पज़ होता है टू सेपरेट स्ट्रॉम वाटर एंड सैनिटरी सीवेज और बाकियों की बात करें अगर कैच बेसिन का क्या पर्पज़ होता है टू प्रीवेंट ग्रिट एंड सैंड फ्रॉम एंट्रिंग द स्ट्रोम वाटर इसी तरह से इन्वर्ट साइफोन क्या होता है टू कैरी द सीवर ब्लो स्ट्रीम और रेलवे लाइन एंड गटर इनलेट क्या हो गया टू ड्रेन रेन वाटर फ्रॉम रोड्स टू स्ट्रोम सीवर मैन होल कवर द मैन होल कवर इज मेड सर्क्यूलर क्यों सर्कुलर बनाते हैं देखें यहाँ पे आपको हो सकता है सारे ऑप्शन सही लगें लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा इट प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ कवर इन टू द मैन होल सर्कुलर कवर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है वो मैन होल के अंदर नहीं गिरता है आप उसको किसी भी एंगल में रख लीजिए जबकि बाकी सेब के जो कवर हैं उनके अंदर गिरने का डर बना रहता है

द वेंटिलेशन इन सीवर इज़ नीडिड टू अवॉइड द वेंटिलेशन क्यों करते हैं यहाँ पर भी आपको ऑप्शन सारे सही लगेंगे बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ए डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ सीवर गैसेज वट इज़ द मैगजिम डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस मैन होल इन सीवर ऑफ डाया मीटर मोर देन वन पॉइंट फाइव मीटर डाया के अकॉर्डिंग स्पेसिंग बदल जाती है आप इस टेबल को ध्यान से देखिए अगर सीवर का डाया पॉइंट थ्री मीटर तक है तो स्पेसिंग होती है 45 मीटर इसी तरह से पॉइंट सिक्स में 75 मीटर पॉइंट नाइन में 90 मीटर 1.2 में 120 मीटर 1.5 में 250 मीटर और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन 1.5 मीटर है डाया तो ये पॉइंट सिक्स देख सकते हैं आप यहाँ पे 300 मीटर की स्पेसिंग रखी जाएगी तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट इज यूजली कैप्ट एज ऑक्सीडेशन पॉइंट के लिए रखा जाता है दस से पंद्रह दिन ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा गैसेज विच आर जनरली इवॉल्व ड्यूरिंग एरोबिक ऑफ़ सीवेज आर डिकम्पोजिशन होता है जब एरोबिक उसमें कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं तो देखिए तीन गैसेस निकलती हैं नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू निकलती है एनएस थ्री यानी अमोनिया और कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू सी टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरियस ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड यानी एस टू तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा सी ओ टू प्लस एन एस थ्री प्लस एस ओ टू इज यूज टू मेजर इन सीवेज इमोपकॉन मैंने पहले भी बताया था सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं और कौन से सॉलिड सेटेलेबल सॉलिड क्या होते हैं ये वो सॉलिड जो सेटल कर जाए जाएँ इमोपकोन में बॉटम फेस पे ठीक है ऑप्शन डी सही हो जाएगा द पी एच ऑफ फ्रेश सीवेज इज़ यूजली तो फ्रेश सीवेज का जो पी एच होता है वो मोर देन सेवन होता है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश सीवेज क्या होता है आ, एल्कलाइन नेचर का होता है स्टार्टिंग में यानी कि जब वो फ्रेश होता है तो उस टाइम उसका पी हो जाएगा मोर देन सेवन यानी कि क्षारिय प्रकृति का होता है जब लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ पे ये यह क्या होता है एसिडिक नेचर में बदल जाता है तो जो सीवेज पुराना हो जाता है उसका नेचर कैसा होता है एसिडिक और उसका पी हो जाएगा फिर लेस देन सेवन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा पी एच थ्री वैन कंपेयर टू पी एच फाइव विल बी मोर एसिडिक बाय पीएच वाला क्वेश्चन देखिए इसमें फार्मूला आपको पता है पीएच होता है माइनस लॉग एच आयन तो अगर पीएच की वैल्यू थ्री है जैसे कि यहाँ पे दो पीएच दे रखे हैं थ्री एंड फाइव सो अगर पीएच की वैल्यू थ्री है तो डेफिनेटली एच पॉजिटिव आयन होगा टेन रिज टू पावर माइनस थ्री और फाइव में एच पॉजिटिव आयन हो जाएगा टेन रिज टू पावर माइनस फाइव माइनस इसलिए होता है क्योंकि एक माइनस यहाँ पर आगे लग रखा होता है ठीक है तो जब आप लॉग निकालेंगे तो वो प्लस में हो जाता है अब इनका आप रेशियो देखेंगे तो टेन रेज टू पावर जो थ्री है वो टेन रेज टू द पावर माइनस फाइव से कितना ज़्यादा है हंड्रेड टाइम टेन रेज टू पावर टू का मतलब यहाँ पे हंड्रेड हो गया तो कितना ज़्यादा एसिडिक होगा ये हंड्रेड टाइम एसिडिक ऑप्शन सी विल बी राइट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज इज द क्या होती है देखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ऑक्सीजन है जो रिक्वायर होती है ऑक्सीडाइज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर टोटल में दोनों आ जाते हैं यहाँ पे एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इनएक्टिव ऑर्गेनिक मैटर इसलिए ऑप्शन बी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा बोथ ए एंड बी मिनिमम डी ओ प्रिस्क्राइब फॉर अ रिवर्स स्ट्रीम टू अवॉइड किल्स मछलियाँ ना मरें इसलिए कितना डी ओ रखा जाता है डिसोल्ड ऑक्सीजन फोर पी पी एम याद रखिएगा स्टैंडर्ड फाइव डे बी ओ डी है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वैन कम्पेयर टू अल्टीमेट बी ओ डी इज़ अबाउट देखिए फाइव डे बी ओ डी जो होती है टोटल total की टोटल या अल्टीमेट वो होती है सिक्सटी एट परसेंट जो कि यहाँ पर पूछ रखा है और टेन डे बी ओ डी जो होती है वो होती है नाइन्टी परसेंट अल्टीमेट की तो दोनों डेटा याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा complete through treatment should generally be given to sewage before its disposal in a stream if the dilution factor available is dilution factor ki value ke according hum treatment karte hain alag alag is table ko aap dhyan se dekhiye agar dilution factor 500 से ज़्यादा है तो वहाँ पे कोई treatment की ज़रूरत नहीं होती है इसी प्रकार अगर 300 to 500 फाइव है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दे देते हैं जैसे प्लेन सेडिमेंटेशन 150 टू थ्री हंड्रेड है तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन या स्क्रीनिंग जैसा ट्रीटमेंट करते हैं और जो कि आपके पास क्वेश्चन है अगर बिलो 150 है तो कंप्लीट थ्रू ट्रीटमेंट देंगे वहाँ पे ठीक है तो कंप्लीट थ्रू ट्रीटमेंट में बिलो 50 होगा या लेस देन 50 होगा लेस uh, देन 150 होगा इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा एलगीज डाइड आउट थ्रू फिस लाइफ में सर्वाइव इन अ रिवर जोन नोन एज जोन ऑफ डिग्रेडेशन जो होता है उसमें ये होता है देखिए यहाँ पे फिश लाइफ जो है सरवाइव कर जाती है और एलगीज डाई हो जाते हैं ये जोन ऑफ डिग्रेडेशन में होता है बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं जैसे डी इज़ रिड्यूस्ड टू फोर्टी परसेंट ऑफ सैचुरेशन वैल्यू वाटर बिकम्स डार्क एंड टर्बाइट ये भी डेटा आप ध्यान रख सकते हैं द मैगजिम एफिशियंसी ऑफ बी रिमूवल इज अचीव इन किस में होती है ऑक्सीडेशन डिच में द फिनोमिनन बाई वर्च्यू ऑफ विच अ सोयल इज़ क्लैग विद सीवेज मैटर इज़ कॉल्ड तो सीवेज सिकनेस की डेफिनेशन है ये बेसिकली क्या होता है इसमें वैन सीवेज इज कंटिन्यूसली अप्लाइड ऑन अ पीस ऑफ लैंड द पोर्ट्स और वर्ड्स इन द सोल गेट्स क्लैग्ड ठीक है और फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर विल बी प्रिवेंटेड इस प्रोसेस को बोलते हैं सीवेज सिकनेस मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा होता है सीवेज में सेप्रोफिटिक ज़्यादा पाया जाता है ऑप्शन सी सही होगा यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ इज़ कॉज बाय द यूट्रोफिकेशन कौन सी प्रोसेस होती है जब न्यूट्रिएंट्स की रिचनेस हो यानी न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो तो वाटर बॉडीज़ या लेक जो होते हैं जहाँ पे पानी रुका रहता है वहाँ पे प्लांट लाइफ की ग्रोथ हो जाती है आपने देखा होगा जिन जगहों पे पानी रुका रहता है वहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं ठीक है और न्यूट्रिएंट्स का मतलब यहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन से है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स द अल्टीमेट बी ओ डी वैल्यू ऑफ वेस्ट तो अल्टीमेट बी ओ डी क्या होती है इसका मतलब क्या होता है रिप्रेजेंट करती है जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को तो इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है इसलिए रिमेन द सेम एट ऑल टेम्परेचर वेस्ट वाटर इज टॉक्सिक टॉक्सिक का कब कहलाता है जब बी ओ डी और सी ओ डी का रेशियो जीरो हो और नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा जब इनका रेशियो पॉइंट सिक्स थ्री से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो ऑप्शन सी देख सकते हैं आप यहाँ पे सोलो सैलो पॉइंट सेलो पॉइंट्स इन विच ऑक्सीजन इज प्रजेंट ऑल डेप्थ आर कॉल्ड तो यहाँ पे एरोबिक पॉइंट्स की डेफिनेशन है ये बेसिकली जहाँ पे डिसोल्व ऑक्सीजन डेप्थ में पाई जाए द कोगुलेंट यूज फॉर ट्रीटिंग सीवेज इज तो आयरन सॉल्ट एक ऐसा कोगुलेंट होता है जो सीवेज के ट्रीटमेंट में यूज लिया जाता है सोनोस्कोप इज़ यूज टू इज़ so, no यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोनोस्कोप कहाँ यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लज इज एक्सप्रेस बाई किस होती है स्लज इंडेक्स से एक्सप्रेस करते हैं डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लज डिसोल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम बाई इन स्ट्रीम इज देखिए डिसोल्व ऑक्सीजन क्या होती है नून के टाइम पर मैक्ममम होती है रीज़न फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो नून का टाइम होता है दिन में आ, नून का टाइम उसमें प्लांट्स जो है ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू डिसोल्व ऑक्सीजन भी ज़्यादा होता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा मैक्सिमम एट नून व्हाट इज़ द जोन वेयर फिश लाइफ माइट टेंड टू प्रोग्रेसिवली ड्रिंडल वेन वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इन टू अर रिवर सो अभी मैंने आपको बताया था फिश लाइफ जहाँ पर सर्वाइव कर जाए वो जोन ऑफ डिग्रेडेशन में होता है ऑप्शन ए सही होगा फॉर द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रॉम्स रिवर इन अ ड्रेनेज एरिया इफ द टाइम ऑफ कॉन्सनट्रेशन इज ट्वेंटी मिनट्स देन द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल विल भी टेकन एज ये भी अभी पीछे डिस्कस हुआ था डिज़ाइन ऑफ़ स्ट्रॉम सीवर में टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेनफॉल इंटेंसिटी के बराबर होता है सो ड्यूरेशन ऑफ रेल फोन यहाँ पर इक्वल टू द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी कि 20 मिनट से यहाँ पे सही आंसर होगा अ हेट्रोट्रॉप इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑप्टेंस देखिए ऑटोट्रोप जो होते हैं वो क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट ऑपटेंस बोथ एनर्जी एंड मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज तो इनऑर्गेनिक से जो ऑप्टेन करते हैं वो ऑटोट्रोप हो जाते हैं और ऑर्गेनिक से जो करते हैं वो हेटरोट्रॉफ हो जाते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा इट्स सेल कार्बन एज वेल एज इट्स एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ठीक है ऑर्गेनिक के लिए ध्यान रखेगा हेट्रोट्रॉफ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टी ओ डी बी ओ डी एंड सी ओ डी इज गिवन बाय यहाँ पे थेरोटिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बीच रिलेशन पूछा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है बेसिकली तो ऑप्शन बी सही होगा टी ओ डी बड़ा होगा फिर सी ओ डी और फिर बी ओ डी द रेशियो फाइव डे बी ओ डी टू अल्टीमेट बी ओ डी इज़ अबाउट फाइव डे बी ओ डी अभी मैंने आपको बताया था सिक्सटी एट परसेंट के समवेर होता है तो इन ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है जो ऑलमोस्ट सिक्सटी एट परसेंट के क्लोज है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कोरोजन इन कॉन्क्रीट सीवर इज कॉस्ड बाई सेप्टिक कंडीशंस की वजह से होता है ठीक है जिसमें एच टू एस की प्रजेंस की वजह से ये होता है इफ़ द सीवेज कंटेंट्स ग्रीस एंड फैटी ऑयल्स दीज आर रिमूव्ड इन कहाँ रिमूव करते हैं स्किमिंग टैंक्स में ऑप्शन सी सही होगा जनरली द डिटेंशन पीरियड फॉर ग्रिट चैम्बर इज कैप्टेस्ट देखिए डिटेंशन पीरियड जो होता है ग्रेट चैम्बर के लिए एग्जैक्ट बात करें तो फोर्टी टू सिक्सटी सेकेंड होता है ठीक है फोर्टी टू सिक्सटी सेकेंड और इन ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो वन मिनट विल बी द राइट आंसर द स्पेसिंग ऑफ बार्स इन कोर्स स्क्रीन इज जनरली टेकन एज अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग स्पेसिंग रखी जाती है कोर्स स्क्रीन में फिफ्टी एम एम एंड मोर होता है मीडियम स्क्रीन में 6 एम एम टू फोर्टी एम होता है और फाइन स्क्रीन में 1.5 पॉइंट फाइव टू थ्री एम होता है तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा 50 एम एम द रेशियो ऑफ़ फ्लोइंग थ्रो पीरियड टू डिटेंशन पीरियड इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी बोलते हैं इन दोनों के रेशियो को और इनको अलग 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 डिफाइन करें तो फ्लोइंग थ्रो पीरियड होता है इज़ द टाइम टेकन बाई अ बैच ऑफ वाटर टू ट्रेवल फ्राम द एंट्री टू एग्ज़िट ठीक है सेटलिंग टैंक में और डिटेंशन पीरियड होता है वॉल्यूम और डिस्चार्ज रेट का रेशियो ठीक है और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी अ ग्रिड चैम्बर हैविंग हायर डिटेंशन पीरियड अबाउट थ्री टू फोर आवर्स इज कॉल्ड देखिए ग्रिड चैम्बर को हम डिट्राइटस टैंक बोल देते हैं अगर उसका डिटेंशन पीरियड ज़्यादा हो यहाँ पे देख सकते हैं आप अ ग्रिड चैम्बर इज कॉल्ड डिट्राइटस टैंक वैन इट डेन इट डिजाइन टू फ्लो विद अ स्मॉलर फ्लो वेलोसिटी ऑफ अबाउट पॉइंट ज़ीरो नाइन मीटर पर सेकेंड एंड लॉन्गर डिटेंशन पीरियड अबाउट थ्री टू फोर मिनट यानी अगर फ्लो वेलोसिटी कम हो और डिटेंशन पीरियड ज़्यादा हो तो ग्रिड चैम्बर कहलाता है डिट्राइटस टैंक जनरली ग्रिड चैम्बर का जो डिटेंशन पीरियड होता है वो मैंने आपको बताया था वन मिनट होता है और डिट्राइटस टैंक में कितना हो जाता है थ्री टू फोर मिनट सो so, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा ट्रिकलिंग फिल्टर प्लांट्स आर प्रिफर्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट फॉर तो किसके लिए होता है लार्ज सिटीज़ को छोड़ के ये टाउन्स स्मॉलर सिटीज़ और मीडियम सिटीज़ के लिए अवेलेबल होता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा बोथ ए एंड बी क्लोरिन इज़ समाइम्स यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट क्यों यूज़ करते हैं क्लोरिन को देखिए जो एक्टिवेटेड स्लज में बल्किंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं सबसे पहले ये बल्किंग आती क्यों है ये आती है फिलामेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्लोरीनेशन का प्रोसेस करते हैं यानी कि क्लोरीन को ऐड करते हैं सो so, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा कंपोस्टिंग एंड लेगूनिंग आर द मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल के मेथड होते हैं ये तो ऑप्शन डी सही होगा द गैस कमिंग आउट फ्रॉम अ अलज डाइजेशन टैंक इज़ तो स्लज डाइजेशन से जो गैस निकलती है वो बेसिकली होती है मेथेन सी ओ टू एंड इनर्ट गैसेज यानी एटीनथ ग्रुप वाली जो गैसेज होती हैं सो सी एच फोर जो है यहाँ पे मेथेन उसका रोल है सेवेंटी परसेंट और सी ओ टू का है थर्टी परसेंट तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा फॉर द सेम सॉलिड कॉन्टेंट इफ़ द क्वानिटिटी ऑफ सेलेज विद मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ नाइन्टी सेवन परसेंट इज़ एक्स लीटर दैन द क्वांटिटी ऑफ सेलेज विद मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ नाइन्टी फोर परसेंट विल भी यानी अगर मॉइस्चर कॉन्टेंट नाइन्टी सेवन है तो यहाँ पे क्वान्टिटी है एक्स लीटर और अगर मॉइस्चर कॉन्टेंट नाइन्टी फोर परसेंट है तो क्वान्टिटी कितनी होगी इनका एक बेसिक रिलेशन होता है वीवन हंड्रेड माइनस पी वन वी टू हंड्रेड माइनस पी टू ये बराबर होनी चाहिए तो वी वन आपको यहाँ पे दे रखा है पहला वॉल्यूम जो कि है एक्स पी वन मॉइस्चर कॉन्टेंट है नाइन्टी सेवन परसेंट पी टू है नाइन्टी फोर परसेंट और इसी कॉन्टेक्स्ट में निकल जाएगा वी टू इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वी टू मिल जाएगा एक्स बाई टू लीटर सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा वैन देर इज़ नो रिसर्कुलेशन ऑफ ट्रीटेड सीवेज इन हाई रेट बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज देन द रिसर्कुलेशन फैक्टर इज़ सो रिसर्कुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला और इसमें आर अपॉन आई की वैल्यू जीरो हो जाती है अगर नो no रिसर्कुलेशन वाला रे केस हो तो यहाँ पे आर अपॉन आई की जगह आप जीरो रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा वन प्लस जीरो और वन प्लस जीरो टू द होल स्क्वायर इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा एफ बराबर वन तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा द वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ट कैन बी एरोबिक हो सकते हैं एन एरोबिक हो सकते हैं फैकल्टीटिव हो सकते हैं और मोस्ट कॉमन फैकल्टीटिव होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा तीनों तरह के हो सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज अ थर्मोफिलिक रेंज ऑफ स्लस डाइजेशन सो दो तरह की रेंज होती हैं बेसिकली थर्मोफिलिक और मेज़ोफिलिक दो तरह के डाइजेशन होते हैं थर्मोफिलिक को हाई टेम्परेचर रेंज माना जाता है और मेज़ोफिलिक को मॉडरेट माना जाता है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थर्मोफिलिक की रेंज पूछी है तो एग्जैक्ट होती है फोर्टी टू सिक्सटी और ऑप्टिमम में बात करें तो फिफ्टी फ़ोर लेते हैं इसी तरह से मेज़ोफिलिक में होती है ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एंड ऑप्टिमम लेते हैं ट्वेंटी नाइन डिग्री से तो रेड कलर में जो आपको दिख रहा है 40 टू 60 इसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर होगा तो 50 टू 57 यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 300 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोस सॉल्यूशन सो ग्लूकोस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे ऑक्सीजन को कंसीडर uh, करते हैं पहली लाइन देखिए आप 100 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वो होता है 192 मिलीग्राम पर लीटर सो यहाँ पे 300 के लिए पूछा है तो पहले आप 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए निकालेंगे तो वो आएगा 192 नाइन्टी टू बाई और फिर इसमें थ्री की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा थ्री ऑल राइट तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा फोर अ सेप्टिक टैंक विच इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट सेप्टिक टैंक के लिए कौन सा पॉइंट इनमें गलत है तो ए सी और डी ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है क्योंकि बी पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है डिटेंशन पीरियड जो होता है सेप्टिक टैंक का वो होता है ऑलमोस्ट 12 टू 36 सिक्स आवर जबकि ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है फोर आवर्स तो ये बी गलत हो जाएगा बाकी तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं स्लज डाइजेशन टैंक सेडिमेंटेशन टैंक एंड ट्रिकलिंग फिल्टर इन तीनों में से हमें बताना है एरोबिक कंडीशन का कौन सा होता है तो देखिए एरोबिक में होते हैं यहाँ पे स्लज डाइजेशन टैंक और ट्रिकलिंग फिल्टर ये दोनों आते हैं एरोबिक कल्चर में और सेडिमेंटेशन आता है एन एरोबिक कल्चर में तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन uh, में देखेंगे तो वन एंड थ्री सही हो जाएगा यानी कि सलज डाइजेशन टैंक और ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं एरोबिक कंडीशन के विच ऑफ़ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट करेक्ट कौन नहीं है वो बताना है तो लगूनिंग है स्लज डिस्पोजल के लिए सही है इल्यूट्रेशन वॉशिंग ऑफ डाइजेस्ट स्लज ये भी सही है फिल्ट्रेशन क्या होता है रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सोलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर ये भी सही है इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा यानी कोई भी मैच यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है तीनों करेक्ट हैं विच इज़ नॉट अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट तो सेकेंडरी सॉरी सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है ये एक प्राइमरी यूनिट होती है इसलिए ये सही ऑप्शन होगा स्लच डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल थ्रू एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज लोअर लिमिट पूछी है देखिए अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग रेंज होती है बैक्टीरिया रिमूवल की इस टेबल को आप देखेंगे तो कोर्स स्क्रीन में दिखेगा जीरो टू फाइव जीरो टू फाइव परसेंट ऑफ़ बैक्टीरिया रिमूवल इस तरह से फाइन में अलग है ग्रिड चैम्बर में अलग है प्लेन सेडिमेंटेशन में अलग है केमिकल प्रेसिपिटेशन में फिर ट्रिकलिंग फिल्टर में और पॉइंट सेवन जो है वो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो पॉइंट सेवन देखिए आप इसमें लोअर लिमिट पूछी है तो लोअर लिमिट यहाँ पे हो जाएगी नाइन्टी और अपर लिमिट होगी नाइन्टी एट तो एक्टिवेटेड सेलेज के लिए नाइन्टी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्राइमरी सेटलिंग इज़ 2500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब एंड वेस्ट वाटर इज ट्वेंटी फाइव इंटू टेन पावर सिक्स लीटर पर डे द डिटेंशन टाइम इन सेटलिंग टैंक इज देखिए डिटेंशन टाइम अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था ये होता है वॉल्यूम अपॉन फ्लो वॉल्यूम तो आपको यहाँ पे दे रखा है टू फाइव डबल जीरो मीटर क्यूब और जो फ्लो दे रखा है वो लीटर पर डे में दे रखा है तो सबसे पहले आप लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे यानी कि थाउजेंड uh, से डिवाइड करेंगे तो अब आप सॉल्यूशन पे आ जाइए देखिए वॉल्यूम तो टू फाइव डबल जीरो दे रखा है ये सही है जो फ्लो दे रखा था वो इतना था इसको आप थाउजेंड से डिवाइड करेंगे या फिर टेन रेज टू पावर माइनस थ्री से इंटू करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट वन डे यहाँ पे आंसर आएगा और ऑप्शन आपके आर में है तो ट्वेंटी फोर की इसमें इंटू कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी फोर बाई टेन आर तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है वेयर डज द स्लॉफिंग अकर यह ट्रिकलिंग फिल्टर में अकर करता है तो ऑप्शन सी सही होगा वट डज द बायोलॉजिकल लेयर स्टिकिंग टू द ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ तो जो लेयर जमती हैं वो उसमें क्या क्या होता है तीनों चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया होता है प्रोटोजोआ होता है और फंजाए तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा असेप्टिंग टैंक इज कैसा होता है एन एरोबिक मैथड होता है ऑफ ऑन साइड सीवेज ट्रीटमेंट ऑन साइड सीवेज ट्रीटमेंट में एक एन एरोबिक मैथड माना जाता है अ सेप्टिक टैंक ऑफ सेवन मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम सर्व फॉर फाइव पीपल पाँच लोगों के लिए सर्व होता है देखिए डेटा पे ध्यान दीजिए आप और इसकी कैपेसिटी दे रखी है सेवेंटी लीटर पर कैपिटा पर ईयर और 50 परसेंट में रिमूवल करते हैं इसका वॉल्यूम का तो क्लीनिंग इंटरवल पूछा है यहाँ पे अब देखिए क्लीनिंग इंटरवल के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए एक तो वॉल्यूम ऑफ स्लज क्लीनिंग के टाइम पे और एक रेट ऑफ एक्मलेशन ऑफ स्लज तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप जो टोटल वॉल्यूम है उसका फिफ्टी कर देंगे सेवन है फ़िफ्टी परसेंट ऑक्यूपाई करता है तो थ्री पॉइंट फाइव हो जाएगा और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे थाउजेंड की इंटू कर देंगे इसमें और ऑफ स्लेज में क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे पाँच लोग हैं और कैपेसिटी है सेवेंटी तो ये हो जाएगा थ्री फिफ्टी लीटर पर ईयर फिर इन दोनों के रेशियो से आपको मिल जाएगा क्लीनिंग इंटरवल टेन ईयर सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा एन इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ इंटरसेप्टिंग ट्रैप हम प्रोवाइड करते हैं हाउस सीवर या म्यूनसिपल सीवर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा अ गली ट्रैप इज़ प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ गली ट्रैप हम प्रोवाइड करते हैं अनफोल हाउस ड्रेन और फोल हाउस ड्रेन में तो ऑप्शन बी सही होगा टू पाइप सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग बिल्डिंग ड्रेनेज कंसिस्ट ऑफ टू पाइप सिस्टम में देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप इसमें दो सेट होते हैं दो सेट अलग अलग जिनमें से पहले सेट में दो पाइप आते हैं एक सोयल पाइप और एक वेस्ट पाइप सो so, उसके बाद जो दूसरा सेट है उसमें वेंट पाइप होते हैं जो कि इनसे कनेक्टेड होते हैं तो टोटल यहाँ पे चार पाइप हो जाते हैं एक सोयल पाइप एक वेस्ट पाइप और दो वेंट पाइप इंटरसेप्टिंग पाइप इज़ यूज फॉर ये अभी बताया था हाउस ड्रेनेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सीवेज सी इज सीवेज क्या होता है तो वेस्ट वाटर विद हायर डिकम्पोजिशन फ्रैक्शन ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा बाकी अलग अलग चीज़ को अलग अलग, अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं हम रविस को हम कह सकते हैं वेस्ट ऑफ कम्बस्टिबल नेचर और नॉन कम्बस्टिबल नेचर के लिए भी हम रविस ही बोलते हैं ऑल काइंड ऑफ वेस्टेज इस इसके लिए रिफ्यूज बोलते हैं और वेस्ट वाटर विद लो बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन इसके लिए हम सेलेज बोलते हैं गली ट्रैप इज़ लोकेटेड एट गली ट्रैप कहाँ लोकेट होता है जंक्शन ऑफ सलेज आ, सलेज एंड स्ट्रॉ वाटर ड्रेन्स इनके जंक्शन पे लोकेटेड होता है द ट्रैप यूज फॉर वाटर क्लोसेट इज़ कॉल्ड इसके लिए हम पी ट्रैप यूज़ करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वास्ट रबर वेस्ट डिस्पोजल सो पायरोलिसिस इसके लिए यूज़ करते हैं हम और पायरोलिसिस को अगर हम डिफाइन करें तो पायरो का मतलब होता है फायर और लिसिस का मतलब होता है सेपरेशन तो इससे आपको बेहतर समझ आएगा कि इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट explains द टर्म pyrolysis? Pyrolysis अभी मैंने आपको समझाया तो उस भी आप हाँ में ऑप्शन ए आप देख सकते हैं सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोसेड कंटेनर्स इन ऑक्सीजन फ्री एटमोसफेयर ठीक है हीट का रोल होता है यहाँ पे अब प्राइमरी रिस प्राइमरी सेल इज़ हैविंग वॉल्यूम ऑफ़ फोर्टीन मीटर क्यूब एंड मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ नाइन्टी फोर परसेंट वस डिटर टू हैव अ सॉलिड कॉन्टेंट ऑफ सिक्सटीन परसेंट फाइनल वॉल्यूम बताना है अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा बस आपको ध्यान ही रखना है एक तो आपको वी वन दे रखा है फोर्टीन मीटर क्यूब मॉइस्चर कॉन्टेंट वन दे रखा है नाइन्टी फोर परसेंट लेकिन जो दूसरा है उसका मॉइस्चर कंटेंट नहीं बल्कि सॉलिड कंटेंट दे रखा है सिक्सटीन परसेंट तो आप हंड्रेड में से सिक्सटीन को लेस करके निकाल देंगे मॉइस्चर कंटेंट एट्टी फोर परसेंट आ जाएगा ठीक है तो ये ध्यान रखना है अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए पहले मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे जो कि होगा 84 परसेंट उसके बाद वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था यहाँ पर वी हमसे पूछा है वी वन दे रखा है और पी और पी 94 नाइन्टी एंड एटी दे रखे हैं इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइव <coughs> आगे बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द आउटर एटमोसफेयर इज़ लाइकली टू इंक्रीज टू द इंसिडेंस ऑफ सो अल्ट्रावाइलेंट रेडिएशन की वजह से जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है पॉल्यूशन बाय डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉज ड्यू द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद ओजोन किसके साथ रिएक्शन करता है जिससे उसका डिप्लीशन होता है देखिए यहाँ पे ओजोन जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके बाद क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है सो so, क्लोरीन मोनोऑक्साइड की वजह से ही यहाँ पे उसका डिप्लीशन होता है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा यानी कि ओजोन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट विच इज़ फॉर्म ड्यू टू इन कम्बसन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ सो क्या होगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर होगा और रेनफॉल इज़ जनरली क्लासिफाइड एज एसिडिक इफ़ इट्स पी एच इज़ लेस देन और इक्वल टू देखिए एसिड रेन जो होता है वो टर्म कब आता है जो रेन वाटर है ये एसिडिक फॉर्म का जब हो जाए इसका रीज़न क्या है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉलिटेंट्स जैसे कि एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री और एच सी एल इनके बनने से ये हायर इंटेंसिटी के एसिड होते हैं तो ये बनते कब हैं जब वाटर वेपर रिएक्शन करता है एसओ टू एनओ टू इन गैसों के साथ ये गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं सो कुल मिला के रेन वाटर एसिडिक हो जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बनने से और डेटा की बात करें तो 5.6 जो है अगर 5.6 पीएच वैल्यू है रेन वाटर की या उससे कम है तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं वहाँ पे ठीक तो यही आपसे पूछा है यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा फाइव द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फोर थर्मल लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस ऑफ वाट्स इज यानी नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है फिर स्टेटोस्फियर फिर मेजोस्पियर और फिर थर्मोस्पेर. तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंगिपमेंट कैन यूज फॉर रिमूवल ऑफ फाइन डस्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक यूज़ करते हैं हम फाइन डस्ट को रिमूव करने के लिए और साइक्लोन्स को यूज़ करते हैं कोर्स पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए वेट स्क्रबर्स को यूज़ करते हैं गैस को रिमूव करने के लिए और एड्जॉर्बर को यूज़ करते हैं सल्फ़र डाईक्साइड को रिमूव करने के लिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग पॉलिटेंट्स इज़ फॉर्म ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन में ओजोन बनता है पी एन बनता है परॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट और फॉर्मेलिटी हाइट भी आप ध्यान रख सकते हैं यह भी बनता है ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग यूनिट इज़ एम्प्लॉयड फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर अब फिफ्टी माइक्रोन इन साइज तो अलग अलग रेंज के लिए हम अलग अलग यूनिट यूज़ करते हैं फिफ्टी माइक्रोन से अगर ज़्यादा है तो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर यूज़ करेंगे फाइव टू फिफ्टी से अब है तो सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर यूज़ करते हैं वन से अबव है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करेंगे और वन से डाउन है अगर वन से बिलो है तो फैब्रिक फिल्टर यूज़ करेंगे तो डेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे 50 माइक्रोन से ऊपर पूछा है तो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर हो जाएगा विच टाइप ऑफ लाइट एनर्जी इज इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाई स इन द लोअर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर सो इन्फ्रारेड रेज यहाँ पे सही आंसर होगा उसके साथ ये रिएक्ट होता है विच इज़ द मेजर पॉल्यूटेंट प्रजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक सो फोटोकेमिकल इस्मोक जो बनता है वो बेसिकली दो चीज़ों से बनता है देखिए एनोएक्स uh, और हाइड्रोकार्बन एनोएक्स का मतलब है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सो ये जब रिएक्ट ये जब रिएक्ट करते हैं विद द प्रजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट की प्रेजेंट में जब ये रिएक्ट करेंगे तब स्मॉग बनता है ठीक है तो ऑप्शंस के हिसाब से आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन यहाँ पे सही हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ ओजोन्फेयर इन एटमोस्फेयर तो ओजोन की जो रेंज होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर टू मेजोस्पेयर में ठीक है सेकेंड और थर्ड वाली जो लेयर है इनके बीच में है द मोस्ट सिग्निफिकेंट गैसेज एयर पोल्यूटेड इज कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको पता ही होगा द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इशू थ्रेटनिंग मैन काइंड सो ग्लोबल वार्मिंग ये सबसे सिग्निफिकेंट एन्वायरमेंट इशू है ऑप्शन ए सही होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर इज अ डिवाइस टू कंट्रोल क्या तो कंट्रोल करते हैं इससे पार्टिकुलर डेमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्लोरो फ्लोरो कार्बन यहाँ पर सही आंसर होगा वट आर द फिनन ऑफ फिनोमिन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन फॉर्मेशन सो रेस्पेक्टिवली पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है सी ओ टू और एसिड रेन के लिए होता है एसओ टू तो सी ओ टू पहले आएगा एसओ टू बाद में ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा लास्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ सपोज टू बी मोस्ट पॉइजनस गैस बिकॉज इट देखिए क्यों ये पॉइजनस गैस मानी जाती है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा